Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Chapter number 14, Current Electricity. Topic is Ohm's Law. It was first represented by George Simon Ohm, and this law said that at a constant physical condition like temperature are kept constant, then the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट सेंस कि हम जब टेम्परेचर और इस चीज की बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जब वो कॉन्स्टेंट ले रहते हैं तो हमारे पास जो करंट होता है विच इज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स. ठीक बच्चों, ये कि हमारे पास जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं किसी भी कंडक्टर में तो हम क्या उसमें देखते हैं कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल उसकी स्टेट है, वो चेंज ना हो. ठीक, करंट ज़्यादा फ्लो करवाया और हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल था जो बहुत ज़्यादा उसकी टेम्परेचर हाई हो गया, जब वो टेम्परेचर हाई हो गया तो उसकी वो मेल्ट होना शुरू हो गया, समवट लाइक दैट, कि किसी भी तरह उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज ना हो. ठीक, फिर हम कहते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वी. आई इज व्हाट? आई इज द करंट एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक, वोल्टेज. अब हम क्या कहते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहाँ हमारे पास क्या आ जाता है? वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, दैट इज आर. आर को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. हमारे पास इक्वेशन बन जाती है वी इज इक्वल्स टू आई आर, जो हमारे पास है जी ओम्स लॉ. अब हमारे पास ओम्स लॉ के दो एप्लीकेबल होता है एंड दो तरह के कंडक्टर हमें पता चले इससे. एक को हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. ठीक, नाउ हमने बात की ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स की, तो हमारे पास ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या हैं? सो हियर आर टू ग्राफ्स. फर्स्ट वन ग्राफ जो है वो है हमारे पास ओमिक कंडक्टर का. ओमिक कंडक्टर वो हैं या मटेरियल्स हैं, वो कंडक्टर मटेरियल्स हैं जो हमारे पास ओम लॉ को ओबे करते हैं. फॉर अ वाइड रेंज वहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो सेम रहती है. एंड दूसरा है हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर जिनकी हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होती है विद अ वोल्टेज. ठीक, अब हम ओमिक कंडक्टर्स को देखते हैं तो हमारे पास उसका जो ग्राफ आता है वो लीनियर होता है, मींस वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है. एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है और वो स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताती है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट का कॉन्स्टेंट रेशियो है. ठीक, अब हमारे पास ये कौन से मटेरियल्स पे एप्लीकेबल होता है? हमारे पास मेटल्स जो होते हैं दे आर सेड टू बी द गुड ओमिक कंडक्टर्स. ठीक, अब हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की. नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो हैं जिनमें हमारे पास ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर हो जाता है, हमारे पास वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो होता है वो सेम नहीं रहता. अब एग्जांपल्स में हम किसकी एग्जांपल करेंगे? फिलामेंट की और थर्मिसिस्टर की. अब हमारे पास फिलामेंट या थर्मिसिस्टर क्या हो, थर्मिसिस्टर क्या होता है कि जैसे वो येलो वाले बल्ब नहीं होते थे, उनमें हमारे पास एक पतली सी फिलामेंट हुआ करता था जो हमारे पास करंट के फ्लो के साथ गर्म हो जाता था. जब वो गर्म हो जाता है ना तो बच्चों, तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, कि जब हमारे पास कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पर वो गुड कंडक्टर बनते जाएंगे, उनकी कंडक्टेंस चेंज होती जाएगी. तो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास ओमिक नहीं रहेंगे. कैसे ओमिक नहीं रहेंगे? उनकी फिजिकल चेंज आ गई है ना, उनका टेम्परेचर का चेंज आ गया, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कहते हैं. ठीक बच्चों, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने बात की है रेजिस्टेंस की कि हमारे पास क्या है कि ओम्स लॉ में हमारे पास ये जो आर आता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. तो हम ये पढ़ना चाहते हैं ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है. तो बच्चों, हमारे पास रेजिस्टर
रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जब करंट फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में हम ओपोजिशन ले आते हैं, उसकी रुकावट बना देते हैं किसी चीज को, तो वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास पानी फ्लो कर रहा है, ठीक, तो पानी के रास्ते में हम कोई चीज रख देते हैं कि उसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाए, तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब वो कहता है इट इज द रेशियो ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है, R इज इक्वल्स टू VR। अब हमारे पास इसका यूनिट क्या है, SI यूनिट, दैट्स वोल्ट पर मीटर पर एम्पियर, और हम इसे क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं। ओम की सिंबल आप लोग याद रखिएगा कि कॉलम्स में है, दैट इज ओम का सिंबल। अब कहता है कि रेजिस्टेंस का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, मींस के उसकी ऑपोजिशन में कुछ आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बच्चों? कंडक्टेंस। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस रुकावट देता है, करंट को रोकता है, तो कंडक्टेंस क्या कहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करे। अब उसकी यूनिट क्या है, ऑफ कोर्स वो उसका रेसिप्रोकल है, तो उसकी यूनिट भी ओम्स इनवर्स, एंड उसकी यूनिट में भी हम इनवर्स ले आते हैं, ठीक। Now there are different factors जो हमारे पास रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर उसे अफेक्ट करता है, दैट इज लेंथ, कि हमारे पास लेंथ सबसे पहले अफेक्ट करती है, और कैसे अफेक्ट करती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक। अब दूसरा जो फैक्टर उसे अफेक्ट करता है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारे पास दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा करते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द L डिवाइड बाय A। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इज इक्वल टू लगाते हैं, और साथ हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज रो, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। क्या है बच्चू? रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एंड नीचे डायग्राम पे आ जाए बच्चू, ये आपको R नजर आ रहा है, और इसके साथ ये जो सिंबल है, दैट इज अ रेजिस्टेंस का सिंबल, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक। अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमने बात की, तो उसे डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चीज क्या है। तो बच्चों, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ इन अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जब हमारे पास 1 मीटर लेंथ होगी और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसकी हो जाएगी 1 रो, ठीक है। अब हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल, कि हम कौन सा मटेरियल यूज करें, कॉपर, आयरन, टिन या सिल्वर, जो भी हम कंडक्टर का मटेरियल यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, जैसे पी की तरह की ये होती है, लेकिन इसे थोड़ा सा लेटा हुआ होता है, ठीक। इसकी यूनिट क्या है, दैट यूनिट इज ओम मीटर। क्या यूनिट होती है बच्चों? ओम मीटर। हमारे पास ये रो जो होता है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और हम इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, शॉर्ट में रेजिस्टिविटी, ठीक बच्चू। अब आ जाए यहाँ पे, आपकी बुक में 8 एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है हर एक की चेंज होती है, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन बाय द डिफरेंट मटेरियल्स। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट मटेरियल की कितनी कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक बच्चों, और ये टेबल आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस की हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होती है फिक्स रेजिस्टेंस, एक होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस हमारे पास वो रेजिस्टेंस है जो चेंज नहीं होती, उसकी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस होती हैं, और ये उनकी पार्टिकुलर वैल्यू होती है। आप नीचे डायग्राम में देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हमारे रेजिस्टर्स हैं, ठीक। इन सब की अपनी अपनी फिक्स वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू हमें कैसे पता चलती है बच्चों, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इस पे ज्यादा आप परेशान नहीं होएगा। हमारे पास इनके ऊपर ये जो लाइंस है ना,
विब गॉयर होता है, ठीक। विब गॉयर में 1, 2, 3, 4 हम करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास किस कौन से नंबर वाला कलर है, वो नंबर लगाते हैं और फिर हम बताते हैं हाँ जी इस रेजिस्टेंस की इतनी रेजिस्टेंस है एंड वी कैन से दैट कि इसकी हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास दूसरी है दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास वो रेजिस्टेंस है जो चेंज होती है, जो हम चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये है हमारे पास रियोस्टेट। क्या है बच्चों? रियोस्टेट। रियोस्टेट हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम अपने लेब्स में यूज करते हैं फॉर दी वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि हमने अगर रेजिस्टेंस चेंज करनी है तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, आपके लेब में है वहां आप इसे देखेंगे भी। ठीक बच्चू, इज इट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई डू आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।